सो गाइस अभी यहाँ पे ना हजारों लोगों के सामने ना मेरा बात किया जा रहा है, तो चलो लोग। तो अभी तक जिसने जॉर्ज तेरा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जॉर्ज तेरा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा रहा है, तो बेस्ट। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं फिलहाल टीपू पे हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे हमेशा नया चीज दिखाने का बहुत ज्यादा शौक है। जैसे कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को कुछ नया दिखा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार फिल्म फेयर अवार्ड देखा होगा जो बॉलीवुड का है। इस बार हमारे कार्बियांग लोंग इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे कि इसका नाम फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है, रंगसीना सार्पो फिल्म अवार्ड है। तो यहाँ पे मैं आया हुआ और यहाँ पे क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा वीडियोस के जरिए आप लोगों को मतलब बॉलीवुड का फीलिंग मिल जाएगा। जैसे फिलहाल मैं हूँ लोरलांगसो कार्बी। तो अभी लोरलांगसो डिफू कल्चरल सेंटर पे हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे। तो आज हम लोगों का जो लंच है वो होने वाला है डिफू कल्चरल सेंटर पे। तो चलो लंच पे क्या क्या बनाए वो आप लोगों को दिखाते हैं, और कौन कौन हमारे साथ है वो भी आप लोगों को इस वीडियो पे पता चल जाए। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं सबको इस वीडियो में आप लोग एक ही फ्रेम पे सबको देख पाओगे। तो हम आए हैं दाविकास के साथ। दाविकास आई बोल दो। तो चलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं लंच करने के लिए, और लंच में क्या क्या बनाया सब आप लोगों को दिखा देंगे। तो हम लोगों का लंच भी हो चुका है कंप्लीट, और लंच बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और हम लोगों ने लंच किया है डिफू कल्चरल सेंटर पे। तो फसल फर्स्ट क्लास। तो खाना काफी ज्यादा अच्छा था, और उसके बाद अभी खाना खा लिया। और उसके बाद अभी कहाँ जाने वाले वो तो नहीं पता, क्योंकि शाम को 6 बजे से स्टार्ट होने वाला है रंगसीना सार्पो फिल्म अवार्ड। तो थोड़ा सा इंतजार आप लोग भी कर लो, और इसके बाद अभी जो मैं दिखाता वो ही देखते रहो आप लोग। और आप लोग देखो ये वाला कलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये हम लोगों का कल्चरल कलर है, बताए ट्रेडिशनल कलर है ये, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। ये तीनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है कि नहीं, देखो। जैसे कि आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये अवार्ड शो होने वाला है ना वो तारा लांगसो पे नहीं, वो होने वाला है लांगकुम हावे मेमोरियल टाउन हॉल मातिपुंग पार्क के सामने। तो अंदर में चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है, ये जो हॉल दिख रहा है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है बाहर से। तो अंदर में इसका नजारा कैसे होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी वैसे ये जो अवार्ड शो है वो शाम को स्टार्ट होने वाला है। यार कसम से खा के बोलता हूँ कितना लग्जरियस लग रहा है, आप लोग एक बार देखो यार मेरा बैकग्राउंड पे देखो कितना ज्यादा खूबसूरत। और ये जो 3 कलर्स है ब्लैक ब्लैक रेड एंड व्हाइट, ये वाला हम लोग का ट्रेडिशनल कलर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इधर हमारा मैं मतलब ये विलन है यार, हीरो नहीं है, ये विलन है। इनको देखो ये फिल्म में विलन का रोल निभाते हैं और बहुत अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। तो चलो आज जो ये अवार्ड शो होने वाला है तो ये इसी हॉल पे होने वाला है, और ये हॉल काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये देखो यार कितना ज्यादा लग्जरियस है यार। मैं पहले ना बॉलीवुड का उन सब में देखा करता था कि जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है, पर हमारा कार्बियांग लोंग इंडस्ट्री में पहले भी हो चुका है ये, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कार्बियांग लोंग फिल्म इंडस्ट्री का बड़े बड़े एक्टर से लेके एक्ट्रेस से लेके सबको यहाँ पे मतलब जुड़ने वाला है। किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है, किसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलता है वो तो आप लोगों को थोड़ा देर बाद पता चले, और आप लोग वीडियो में बने रहो। देखो तो यहाँ पे जो अवार्ड शो होने वाला है सब कुछ यहाँ से ही कंट्रोल होने वाला है, इस रूम से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है, साउंड से लेके सब कुछ इसी रूम से कंट्रोल होने वाला है। इसी रूम से सारा चीज यहाँ पे जो आज अवार्ड शो होने वाला है सब कुछ यहीं से कंट्रोल होने वाला है, एक कंट्रोल रूम में। यार कसम से खा के बोलता हूँ, पता है मैं गांव का बंदा हूँ, और ऐसा जो अवार्ड शो है मैंने कभी अपने जिंदगी पे देखा ही नहीं। और स्टेज में मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ, स्टेज कितना ज्यादा खूबसूरत है, और वहां पे मतलब पूरा लग्जरियस वाला आप लोगों को फील आने वाला है। तो चलो ये वाला दरवाजा खोलते ही आप लोगों को कुछ ऐसा नजारा दिखने वाला है जिसको देख के आप लोग शायद इस प्रोग्राम पे अटेंड होने के लिए तरस जाओगे। तो चलिए ये वाला दरवाजा खोलते हैं।
तो 3, 2, 1 एंड गो। ये देखो यार कसम से ये कार्बी आंगलोंग पे है, बताए मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बताए यार कसम से कितना ज्यादा लग्जरियस है। आप लोग खुद सोचो यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, एक्टर से लेके एक्ट्रेस डायरेक्टर से लेके सब लोग आएंगे और यहाँ पे जो अवार्ड है उन लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे। तो यार अच्छा लगता है हमारा कार्बी इंडस्ट्री भी इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है और इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम हमारा कार्बी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। अवार्ड शो ये सब यार कसम से देखो इस स्टेज पे होने वाला है रंगसिना सरपो फिल्म अवार्ड। देखो ये देखो ना यार यहाँ पे जितना भी सीट है, यहाँ पे जितना भी सोफा है, कितना ज्यादा लग्जरी है। एक बार मैं भी बैठ के इसका फील ले लेता हूँ, मजा है मजा एकदम। ये देखो और यहाँ पे हम लोग कार्बी इंडस्ट्री का जो कड़म वो आराम से एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसे कि अभी आए हैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ का जो अवार्ड शो दिखाने के लिए, पर एक दिन ऐसा भी आएगा ना जोश को यहाँ पे बुलाया जाएगा और जोश तेरन को यहाँ पे स्पीच देने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सबको बोलूंगा यार कसम से माइक भी हो नहीं, यार मेरा आवाज यहाँ पे माइक पे चल रहा है, कब वो दिन आएगा, बस उस दिन का इंतजार है। सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से यार कसम से, यार इतना लोग यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे जोर से स्पीच देगा यार। हेलो हेलो कार्डम, तो अभी तक जिसने जोर से ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जोर से ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार कसम से बाइक पे चल रहे हैं अच्छा लग रहा है बताए। और यार कसम से बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, शाम को जो यहाँ पे अवार्ड शो होने वाले उसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से। अभी देख सकते हो यहाँ पे जितना सारा सीट है सब कुछ खाली है, बट शाम को ये सब फुल होने वाला है, बताए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है। अभी माइक जितना भी सेटअप है सब कुछ किया जा रहा है, जैसे कि हेलो 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 देख सकते हो मेरा आवाज इको पे चल रहा है यार, माइक पे चल रहा है। सो गाइस अभी यहाँ पे ना हजारों लोगों के सामने ना मेरा बात किया जा रहा है, तो चलो तो ना पेन दो बुलाए ले लो सम इवन जोर से रोल ना ले लो सो ब्लॉक सॉन्ग अदर वे वुमेन से माइक शेयर पे यू नो देन आई से नो नाम पे जान नाम पे मिशन में से ना लंग ली पाकन फोन ये फ्रांग ये मिशन में ना लंग ली पाकन फोन क्लिनिक डेकोलिक पिंग लो पेन दो वे कलांग रा कलांग रा कर्बी Anglong, Anglong, Anang Lee. A block long with the women's life share and share freedom of the ending table. Garo. यार कसम से देख लो इतना हजारों लाखों लोगों के सामने हमारा प्रमोशन किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार मेरा चैनल को। सो गाइस आप लोग देख सकते हो अंधेरा होते ही ये वाला बिल्डिंग कितना ज्यादा खूबसूरत हो गया, क्योंकि इतना खूबसूरत लाइट जो जलने लगा यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे हैं और बहुत लोग अभी आना बाकी है, अभी 6 से स्टार्ट होने वाला था, बस 6:30 हो गया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि CEM तुलजाम रोहांग आ गया, उसके बाद ही ये वाला प्रोग्राम जो अवार्ड जो वो स्टार्ट होगा, तो थोड़ा देर इंतजार करो। सो गाइस फाइनली CEM एंट्री कर चुका है, तो थोड़े ही देर में अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो अवार्ड दिया जा रहा है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैकेट पैकेट लंच भी आ चुका है, तो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और कंट्रोल रूम से ही जितना अवार्ड शो है वो देख रहे हैं और मोबाइल में बेहतरीन देख रहे हैं। तो बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसको मिलता है आप लोग देखो, रुब्लिन टेरोन बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिलने वाला है ये देखने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बताया क्योंकि मेरे दिमाग में दो तीन नाम में से किसको मिलेगा देखते हैं। It is Virasim Teron who got the best comedian of the year. Virasim Teron. पूरा अवार्ड शो पे बताए मैं इस कंट्रोल रूम से ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन में बैटरी कम है, यहीं पे चार्ज कर करके देख रहा। और वैसे बहुत सारे अवार्ड दे चुका है और अभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए डांस भी किया जा रहा है, तो वो डांस आप लोगों को दिखाते हैं। अभी बेस्ट
किसके अवार्ड किया जा रहा है, तो बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलेगा ये जानने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इतना देर से आप लोग इसी का इंतजार कर रहे हो। उनको नॉमिनेट हुआ पता है, मालिनी को भी नॉमिनेट हुआ, उसके बाद मालोती मालोती रोमपी भी वाइटनी बथारी वीटनी बथारी किसको मिलेगा वो वहाँ पे आप लोगों को पता ही चल ही जाएगा। आप एक बार गेस करो तो किसको मिलने वाला इन तीनों एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिलेगा अभी पता चल ही जाएगा आप लोगों को। धुक 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 गोस्तु मालिन टीसोपी मालिन टीसोपी को मिल गया। आप लोगों में से सब लोगों ने गेस लगाया वासी और मालिन टीसोपी तो उसको मिल ही गया। अभी यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है पता है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। तो नॉमिनीज में कौन कौन सा मूवी है देखो, मिर्विन मूवी है और मिर्विन मूवी ने बहुत सारे अवार्ड लेके गया यार यहाँ से। मुझे भी देखना पड़ेगा ये मूवी, मैंने नहीं देखा। फाटी रोम्बे आप लोगों को क्या लगता है कौन सा मूवी को मिलना चाहिए बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड? अगर आप लोगों ने ये तीनों मूवी भी देखा है काम के रोंगफर्पी रोंगबे मिर्विन, तो आप लोग कमेंट पे बताना सबसे फेवरेट कौन सा है आप लोगों का। तो गाइस जल्दी गेस करो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे अभी खोल रहा है अभी बता नहीं वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दो यार। द बेस्ट अवार्ड दोस्तों for the best film of the year मिर्विन मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीता यार। मुझे देखना पड़ेगा ये मूवी। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे अवार्ड शो भी खत्म होने वाला है और मुझसे जितना हो सके आप लोगों को दिखाया, मेरा मोबाइल में बेहतरीन नहीं था फिर भी मैंने कोशिश करके आप लोगों का पूरा शो दिखाने का कोशिश किया। तो देख सकते हो धीरे धीरे लोग जाने लगे। सो गाइस धीरे धीरे जो अवार्ड शो था वो भी खत्म होने लगा, लोग जाने लगे और मुझसे जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया। और सच कहता हूँ यार मेरे फोन में थोड़ा भी बैटरी नहीं था, 5 मिनट चार्ज करता हूँ फिर 1% मतलब 4% होता है फिर आके वीडियो के लिए वीडियो रहता, इस तरीके से मैंने ये वाला वीडियो बना। और शायद आप लोगों को वीडियो देखिए अच्छा लगा होगा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मुझे, और आप लोगों को भी कैमरे के जरिए मैं इस शामिल किया है। तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो।